यार कल हमने एक वीडियो बनाई थी पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के मन की बात करते हुए जो काफी लोगों को अच्छी लगी, पर उसके बाद बेब्लेड फैंस जो थे वो मुझसे कहने लगे भाई बेब्लेड के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, बेब्लेड बस्टर वो की बातें करो, बेब्लेड की मन की बात करो। और मैंने सोचा आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, तो आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे बेब्लेड बस्टर वो की मन की बात, यानी कि हम हर एक फैन के दिमाग के अंदर घुसेंगे और उनके मन की बात यहाँ पर करेंगे, यानी कि उन सवालों का आज हम जवाब देंगे रियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो रुके क्यों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चलो वीडियो के अंदर। तो यार पहला सवाल जो बेब्लेड बस टर्बो के हर एक फैन के मन में है वो है, क्या बेब्लेड बस टर्बो पूरा डब हो चुका है? और इसका जवाब है वॉइस एक्टर्स के हिसाब से हिंदी में ये सीरीज पूरी डब हो चुकी है, मगर अभी भी तमिल और तेलुगु डबिंग्स का काम चल रहा है। तो अगला सवाल जो सभी के मन में है वो है बेब्लेड बस टर्बो में कितने सारे एपिसोड्स है? और इसका जवाब है बेब्लेड बस टर्बो में टोटल 51 एपिसोड्स है। तो यार अगला सवाल है सभी के मन में, बेब्लेड बस टर्बो के नए एपिसोड्स कौन से चैनल पर आएंगे? तो यार अगर बेब्लेड बस टर्बो के नए एपिसोड्स दिखाए जाते हैं वो मार्वल एचक्यू पर ही कंटिन्यू होंगे। तो यार अगला सवाल जो सभी के मन में वो है, बेब्लेड को डब होने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो यार जो तमिल और तेलुगु डबिंग है ना, वहां डिज्नी इंडिया की कोई प्रॉब्लम चल रही है जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यार भगवान से प्रार्थना करो होपफुली ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाए। तो यार अगला सवाल और ये बड़ा सवाल है जो सभी के मन में है वो है, बेब्लेड बस टर्बो के मेन कैरेक्टर्स को वॉइस हिंदी में कौन देते हैं? तो यार मैं आपको बता देता हूँ, आइगर अकबारे को वॉइस देते हैं हमारे मोहित सिन्हा सर, और वॉल्ट को वॉइस देते हैं अंशुल सक्सेना सर। अब वॉल्ट को पहले साहिल हैरी सर वॉइस देते थे, पर टर्बो सीरीज के बाद अंशुल सक्सेना सर वॉल्ट की ऑफिशियल हिंदी वॉइस है। तो यार अगला सवाल जो सभी के मन में है वो है, क्या बेब्लेड बस टर्बो जुलाई में आएगा? अब मैं ये चाहता तो हूँ, मतलब मैं जरूर चाहता हूँ ये जुलाई में आए, पर हमको सच्चाई देखनी होगी और बेब्लेड के करंट सिचुएशन यानी कि बेब्लेड के करंट स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि यार प्रॉब्लम्स बहुत सारी है डिज्नी इंडिया के साथ। तो यार अगला सवाल जो सभी के मन में वो है, क्या बेब्लेड बस टर्बो हंगामा पर आएगा? तो यार उसका जवाब है नए एपिसोड्स, यानी कि जो बचे हुए 20 एपिसोड्स है ना वो तो हंगामा पर नहीं आएंगे, क्योंकि बस सीरीज के सारे नए एपिसोड्स या नए सीजन हमेशा मार्वल एचक्यू पर ही आते हैं, पर बेब्लेड बस टर्बो के पहले 30 एपिसोड्स जो मार्वल एचक्यू पर टेलीकास्ट हुए थे वो शायद हंगामा पर आ सकते हैं कभी भी। तो यार अगला सवाल जो सभी के मन में वो है, बेब्लेड बस टर्बो को इंडिया में इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? तो यार ब्रो तुम भूल गए क्या, सपोर्ट तो मिलता है, बहुत मिलता है। आपको याद है बेब्लेड का नामो निशान इंडिया से गायब हो गया था और नए सीजन के लोग इतना स्पैम कर रहे थे, तब कितने लोगों ने सपोर्ट दिखाया था। हाँ हालांकि मैं कहूंगा बेब्लेड बस टर्बो को जो सपोर्ट मिला वो बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज जितनी नहीं थी, क्योंकि यार ओरिजिनल सीरीज की बात ही कुछ और थी, पर फिर भी बेब्लेड बस टर्बो को भी लोग देख रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरी बात करूं तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। पर हाँ ओरिजिनल सीरीज को वो मैच नहीं कर पाई थी, पर सपोर्ट तो जरूर मिल रहा था बेब्लेड बस टर्बो को। तो यार अगला सवाल जो सभी के मन में है वो है, बेब्लेड बस टर्बो को कहां से देखे? तो यार इलीगली मत देखना, ये टीवी पर बहुत ही जल्दी आएगा, तो सबर रखो यार, सबर रखो थोड़ा। तो यार अगला सवाल जो सभी बेब्लेड फैंस के मन में है वो है, बेब्लेड की सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी है? यानी कि ये क्या ही पूछ लिया यार, इससे तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है अगर मैं कुछ गलत बोलूं। तो यार मैं मेरा ओपिनियन बोलता हूं, मेरे लिए ओरिजिनल सीरीज बहुत 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 स्पेशल है। आपको कौन सी सीरीज पसंद है ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैंने यहां पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मेरे पास बेब्लेड बस टर्बो को लेकर थी, यानी कि काफी लोग कह रहे थे कि बेब्लेड बस टर्बो में क्या हो रहा है, कब आएगा, क्या चल रहा है, तो मैंने यहां पर सभी कुछ आंसर करने की कोशिश की है। अब मैं जानता हूं थंबनेल को आप देखकर कहोगे कि यार ये तो क्लिकबेट हो गई, तो यार मुझे करना पड़ा ये, क्योंकि यार यहां पर मैंने रियल न्यूज देने की कोशिश की है, और जब मैं रियल न्यूज दे रहा हूं मुझे लगता है, मतलब मैं चाहता हूं कि लोग उसे देखें, क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स फेक थंबनेल बनाते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि ये डेट पे आएगा, बाद में मालूम पड़ता है कुछ आता ही नहीं है, इसीलिए मैं वो सब अवॉइड करना चाहता हूं और आपको ट्रू न्यूज देना चाहता हूं, और ट्रू न्यूज तो लोगों तक फैलनी चाहिए ना, इसलिए ये थोड़ी बहुत क्लिकबेट मुझे करनी पड़ती है, तो उसके लिए माफ कर देना। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एनिमे न्यूज के तब तक बस बाय टाटा नमस्ते सलाम खुद का ख्याल रखे ऐसे बुरे वक्त मैन की वॉचिंग सेंट ड्रैगो एक्स योर प्रॉब्लम चीफ।